ये है दिल्ली दर्पण। ये जाएगी ध्यान पकड़ना ये सरकार। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस समय किसान आंदोलन फिर चरम पर है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। शायद ये मौका है कि किसान भारत सरकार पर प्रेशर बना करके अपनी मांगों को मनवा सकें। तो फिलहाल शंभू बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से जमावड़ा किसानों का लगा हुआ है। उनकी पूरी कोशिश है कि वो दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करें, लेकिन वहीं सरकार की कोशिश है कि उनको वहीं पर रोक दिया जाए। तो तनातनी दोनों तरफ से चल रही है। तमाम सोशल मीडिया हो चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया हो, पल पल की खबर सभी चैनल्स अपने रिपोर्टरों के माध्यम से अपने अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने भी इस पर नजर रखी है और कुछ कई बड़े पत्रकारों से भी बात की है और कुछ ऐसे पत्रकारों से भी बात की जो वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग जिन्होंने की है और जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको बड़ा करीब से समझा है और इसके पीछे जो सियासत चलती है उसको भी समझा है। तो ऐसे ही एक रिपोर्टर है, पत्रकार, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिजीत ठाकुर। लगातार कई दिनों से वो इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और अभी वहाँ जो दिल्ली के से सटे बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए हैं। आज इनसे हम बात करते हैं इन सारी समस्याओं पर, इस सारे आंदोलन पर और इसके पीछे जो सियासत चल रही है उस पर भी, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था में जो किसानों का योगदान है या जो उनकी समस्याएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले बताइए कि वहाँ का हालात क्या है। देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से ही यहाँ पहुंचा हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पे ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, फ्लाईओवर के ऊपर से आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। थोड़ी बैरिकेडिंग की वजह से वहां पर चूंकि दो लेन बंद हो गए हैं, तो दो लेन बंद होने के कारण जो वहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है उसकी वजह से थोड़ा सा कंजेशन होती है और कंजेशन होने की वजह से ट्रैफिक वहां पर स्लो हो जाता है। तो स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको दिखता है। बात करेगा सर्विस रोड की, जो मेन गाजीपुर बॉर्डर का पॉइंट है उसके नीचे वाला सर्विस रोड जहां पर पिछली बार किसान आके धरने पर बैठ गए थे हजारों की संख्या में, तो वहां पर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। कंक्रीट ब्लॉकेट भी वहां पर लगा दिया गया है, तो उस जगह से आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका उपाय है, आप उस फ्लाईओवर के नीचे का जो यू टर्न है वहां से ले सकते हैं यू टर्न, और उसके बाद जो रास्ता टी पॉइंट से राइट की तरफ जाता है तो राइट की तरफ आप आनंद विहार होते हुए फिर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। तो दिल्ली में यूपी की सीमाओं से प्रवेश करना इतना मुश्किल नहीं है, आप नोएडा की तरफ से भी घुस सकते हैं, आप गाजीपुर की तरफ से भी आराम से मेरठ एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं। 9 से 12 के बीच में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेके चले, क्योंकि वहां पर जाम की स्थिति जो है, जाम नहीं कह सकते उसको, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक यानी रेंग कर चलती हुई गाड़ियां आपको दिखेंगी वहां। क्या तस्वीर देख रहे हैं, क्या तनातनी बरकरार रहेगी? पिछली बार जो माहौल हुआ था, सरकार किसी भी कीमत में घुसने नहीं देना चाहती, वो किसी भी कीमत में घुसने को अड़े हुए हैं। देखिए, पंजाब के किसान संगठनों की जो विशेषकर ये किसान मजदूर मोर्चा है और उसके अलावा जो जगजीत सिंह दल्लेवाल का एक किसान मोर्चा है, वो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा राजनैतिक अपने आप को कहते हैं, अगर इन दोनों के रवैये को देखें तो थोड़ा सा अड़ियल है। वो कह रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से लोकसभा में विशेष जो है वो सदन में बुलाकर सेशन और अनाउंस कर दे कि वो सभी फसलों पर, जितनी फसलों पर वो डिमांड करें, यानी 21 की 21 फसलों पर, उनका तो कहना है कि बाकी सब्जियों और दूध पर भी एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, जो कि सरकार के मुताबिक और विशेषज्ञों के मुताबिक भी बहुत व्यवहारिक मांग नहीं है। तो जिस तरीके से वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार जिस तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रही है, फ्लेक्सिबल करने की कोशिश कर रही है या फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, तो वो मेटेरियलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन दो संगठनों के साथ जो किसान संगठन है उनका कहना है कि 200 से ज्यादा छोटे छोटे बड़े सब मिलाकर किसान संगठन है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि हरियाणा के किसान संगठन और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों की जहां तक बात होती है तो वो इस बार साथ नहीं दे रहे। राकेश टिकैत कहां गए? वो गायब है और वो इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। आज का उनका कॉल था क्या? वो सभी जिला तहसील में उन्होंने अपने जो संगठन है, हालांकि उनका संगठन बहुत ही छोटा है, टेलीविजन ने बहुत बड़ा बना दिया है, तो आज उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ था, लेकिन कौन गया उस धरना प्रदर्शन में और कहां से कोई तस्वीरें आई किसी मीडिया में या सोशल मीडिया पर ही दिख गया हो कि राकेश टिकैत खड़े हों और उनके साथ 5000 किसान वहां पर जुट गए हों, तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है।
तो सीधे तौर पर ये जो संघर्ष है ये सिर्फ पंजाब तक ही केंद्रित है और पंजाब से ही अभी तक हरियाणा में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। बहुत जोश लगाया था तो दो लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ पाए थे, आज पॉकलिंग मशीन और उसके अलावा जेसीबी वगैरह तमाम चीजें लेकर आए थे, लेकिन फिर भी एक लेयर की बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाए, आंसू गैस के गोलों के सामने नहीं टिक पा रहे, तमाम तरह के शील्ड और लोहे के कवच तैयार करते हुए देखे जा रहे हैं जैसे युद्ध की तैयारी चल रही हो। तो व्यवहारिक नहीं लगती है ये चीजें और अनुशासन भी नहीं लगता है इस चीज में। और जहां तक बात है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जा रहा, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली में ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रैफिक है, यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लोग रोजमर्रा में काम करते हैं यहां पर और अपने काम के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूलों को जाते हैं। अगर आप 12,000-10,000 की संख्या जो ट्रैक्टरों की बताते हैं, अगर उसकी एंट्री दिल्ली में करा दी जाएगा तो दिल्ली तो पूरा की पूरा ठप हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, अगर दिल्ली में इस तरह के हालात नहीं बने थे। लेकिन सवाल ये भी बड़ा जो आपने खुद कहा कि हरियाणा राजस्थान यूपी के किसान इस बार नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश भर के किसान अलग और सिर्फ पंजाब के किसान अलग, ये क्या समझ में, ये समझ से बाहर आंदोलन कि पंजाब के किसान किसान हैं और बाकी देश के किसान किसान नहीं है, ये जब सवाल उठते हैं तो इनका क्या जवाब होता है इन किसान संगठनों के पास इस चीज का? शायद ये सवाल उन तक पहुंचे ही नहीं है और वो खैर इसी पिछले बार के अनुभव को देखते हुए उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सपोर्ट गैदर कर लेंगे, क्योंकि लगातार वो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान संगठनों के संपर्क में भी है और जो हमें सूत्रों से खबर मिली है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार फिर से मोबिलाइज करें। लेकिन जो मुख्य संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने पिछली बार ये पूरा बॉर्डर पर जाम करने का जो कार्यक्रम किया था वही इसमें साथ नहीं है और वो अपने अपने जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं सांकेतिक दिखाने के लिए कि वो सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की, ये जो बॉर्डर को जाम करके हाईवे को चौक कराने की जो रणनीति है वो सीधा सीधा तौर पर सरकार पर दबाव डालने की एक रणनीति होती है। इस रणनीति में उनको किसान संगठनों का साथ नहीं मिल पा रहा है और सबसे एक प्रमुख बात ये है कि वेस्टर्न यूपी जिसके ध्वजवाहक पिछली बार राकेश टिकैत बने थे, उनके आंसुओं ने वहां पर सैलाब ला दिया था और लोग कहां कहां से पानी लेकर जुटे थे। इस बार पानी तो छोड़िए उनको, मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है, इस बार वो दमखम लगा ही नहीं पा रहे हैं और ये स्पष्ट दिख भी रहा है। अगर इतना दमखम होता वो तो 50,000 ट्रैक्टर लाने का दमखम रखते हैं, लेकिन आज तक एमएसपी नहीं दिलवा पाए अपने कहने से किसानों का। तो ये सब चीजें जो है अब एमएसपी में कहां पेच है, मतलब जो कहा जाता है कि भाई बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अरे बजट कहां से बढ़ जाएगा? एमएसपी का मतलब खरीद के सरकार अपने घर में थोड़ी रखेगी, उसको भी तो बाहर देगी। देखिए, सरकार के भंडारण की भी एक सीमित क्षमता है और खरीदने की भी सीमित क्षमता है। सरकार ने अपनी तरफ से 3 दलहन और कपास और उसके अलावा एक और फसल, यानी कुल पांच फसलों को 5 साल तक के लिए एमएसपी पर गारंटी देने की घोषणा की, मतलब अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दिया किसानों को कि अगर वो अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हैं। अब डाइवर्सिफाई का भी मीनिंग समझना यहाँ पे जरूरी है। हर कोई अगर धान और गेहूं उगाता रहेगा तो इतनी बड़ी मात्रा में धान और गेहूं की आवश्यकता है नहीं। तेल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं तो तेल की आवश्यकता है, मक्का हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मक्का आप उगाएंगे तो मक्का सरकार खरीद सकती है क्योंकि उसकी आवश्यकता है, उसका कंजम्पशन है। ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पे भी बेस करती है। अर्थव्यवस्था को भी यहां पर समझने की जरूरत है, जितना कंजम्पशन हम कर सकते हैं उस कंजम्पशन से अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है तो उसको हम खरीद कर अगर मान लीजिए कि विदेशों में भी उसकी डिमांड नहीं है तो कहां रखेंगे, कहां लेकर जाएंगे? धान और गेहूं हर किसान उगाना चाहता है लेकिन मक्का नहीं उगाना चाहता, सरसों नहीं उगाना चाहता। उसके अलावा अगर तेलहन की बात करें तो मसूर उड़द है, इन पर ऑफर किया जा रहा है और ये हर जगह उगाई जा सकती है, लेकिन किसान को उसमें मेहनत ज्यादा या तो लगती है या फिर उनको लगता है कि इनका ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। गेहूं और धान ऐसी फसलें हैं जो शायद ज्यादा निश्चिंत होकर किया जा सकता है या फिर एक ढर्रा बन चुका है कि गेहूं और धान ही सब लोग उगाएंगे। तो यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है जो कि अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि जितना धान और गेहूं उगा कर किसान दे देंगे उसको खरीद पाना संभव ही नहीं, और खरीद भी लिया तो उसके भंडारण की क्षमता नहीं है। एक तो हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि तेल हम इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ऑयल चाहे मस्टर्ड ऑयल चाहे कोई भी तेल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा मक्का इंपोर्ट करते हैं और अन्य अन्य प्रोडक्ट हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर उनके पैदावार को किसान बढ़ाएं तो वो देश के कंजम्पशन को फुलफिल कर पाएंगे, एक तो ये फायदा होगा, उस पे एमएसपी मिल जाएगी। ये तो समझने समझाने की बात है, लेकिन ये बात भी तो सही है कि जो 80% आबादी है किसान आबादी है और इस देश की अर्थव्यवस्था उनके अनुकूल नहीं है। जब किसान के पास खूब सारा अनाज होता है तो उसको रेट नहीं मिलते, और जब उसके पास अनाज बेचने को नहीं होता, खराब हो जाती है, फसल कम होती है, तब रेट आसमान को छू रहे होते हैं। तो नहीं लगता कि किसान की खुशहाली देश की अर्थव्यवस्था का पहिया और मजबूत करेगी, उसकी क्रय क्षमता को बढ़ाएगी तो लोग पलायन को यहाँ कम आएंगे, या फिर उसको ये लगे कि नहीं किसानी से ज़्यादा अच्छी तो मजदूरी है, तो
तो आप चले आइए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में उठा करके और फिर भुगतिए शहर की घनी आबादी को। नहीं देखिए, ये कहने के लिए बहुत सही बात है कि 80% देश की आबादी जो है वो किसान है, लेकिन अगर 80% देश की आबादी किसान होती तो देश की 80% जनता को आज सरकार मुफ्त अनाज नहीं दे रही होती, जो कि देना पड़ रहा और अगले 5 साल तक के लिए घोषित किया है। तो ये तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि देश की 80% आबादी किसान नहीं है, आबादी कम है और उसकी गणना करनी पड़ेगी, तब जाके तथ्य सामने आएंगे कि कितने किसान। लेकिन जितनी भी है अर्थव्यवस्था उसके अनुकूल तो नहीं, एक परिवार बढ़ गया उसकी जमीनें छोटी होती चली गई। अर्थव्यवस्था का सवाल सही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के बाद जमीन का रकबा छोटा होता गया और हमारे यहाँ के किसान लघु और सीमांतर किसानों में तब्दील हो गए और उसी में से मजदूर वर्ग भी निकला, क्योंकि जब जमीनें ही नहीं बचेंगी कि इतना आप उगा सके कि साल भर खा सके, तो उसके बाद आपको रोजगार के अन्य अवसर ढूंढने पड़ेंगे। तो आज आप रेड़ी पटरी सब्जी का कारोबार या फिर मजदूरी करते हुए दिहाड़ी करते हुए जिन लोगों को देख रहे हैं, उनके अगर 4 पीढ़ियां या 2 पीढ़ियां पीछे आप जाएंगे तो उनके बाप दादा किसान हुआ करते होंगे और उस टाइम पर वो लोग मजदूरी नहीं करते थे, वो लोग अपने खेतों में काम करते थे और बाकी मजदूरों से कराते थे। लेकिन आज जनरेशनल शिफ्ट आया और उसके बाद जमीनें बढ़ती चली गई, अब आबादी बढ़ेगी, जमीन का रकबा वही का वही रहेगा, तो ये मुश्किलात तो सामने आएगी। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है कि उसको उनके हिसाब से मॉडिफाई किया जाए, तो इसीलिए सरकार कह रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही एकमात्र फॉर्मूला है। अगर आप ये अध्ययन करके कि किन चीजों की आवश्यकता हमारे देश में ज्यादा है जो बाहर से आ रही है, आप उन्हीं चीजों का पैदावार आप करें। और जहां तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो पहली बार रूरल से रूरल बेल्ट में जाके भी काम होना प्रैक्टिकली शुरू हुआ है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ये रातों रात बदलने वाली व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा, लेकिन क्या इतने सालों में इतने दशकों में कभी भी कृषि प्रधान नीतियां बनाई गई उस तरीके की कि किसानों का सुधार 5 साल या 10 साल के किसी पंचवर्षीय योजना में अगर किसानों को प्राथमिकता में रखा गया होता, या फिर अगले 2 पंचवर्षीय योजना तक ये निर्धारित किया जाता कि हम सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी पर फोकस करेंगे, तो शायद कुछ बदलाव दिखता। लेकिन अब अचानक से रातों रात एक कानून बना देने से ही किसानों का सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं और उन पहलुओं पर विचार करने के बाद कानून बनाए जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा टफ टास्क चैलेंज सरकारों के लिए होता है। तो सरकार बिना इस चीज को देखे समझे कैसे ये प्रॉमिस कर सकती है कि आज घोषणा कर देते हैं, उनको मना लेते हैं, उसके बाद कल चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आगे प्रॉमिस वो फुलफिल हो पाए या नहीं हो पाए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो रातों रात तो होना खैर संभव नहीं है, बाकी जिद पे तो हम भी बचपन में किसी चीज के लिए जिद पे अड़ जाते थे, तो पिताजी हमें भी आश्वासन देके और आगे बढ़ाते रहते थे, धीरे धीरे बात पुरानी हो जाती थी और इस मामले में भी यही होने वाला है। मतलब आखिरी सवाल कि स्वस्थ संवाद होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, समझना चाहिए ये, और जो अर्थव्यवस्था पे अपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके हर किसान है, हर पार्टी के अंदर है, संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो ये लगता है कि जो सही डायरेक्शन में चर्चाएं होती हैं क्या, ये डायरेक्शन में अगर चर्चा होती तो आज किसान सड़क पर नहीं होते, लेकिन चर्चाएं जो संसद में होती हैं वो किसानों के नाम से जरूरी होती है, जरूर होती है, लेकिन अपने एजेंडा मुताबिक होती है। अगर मान लीजिए चर्चा किसानों के लिए हर कोई स्वच्छ मन से करना चाहे, साफ मन से करना चाहे, तो उसमें समय देगा, सुनने की भी क्षमता रखेगा, बोलने की भी क्षमता रखेगा और तथ्य लेकर आएगा, ना कि लोक लुभावन बातें करके सिर्फ संसद का रिकॉर्ड फुलफिल करना कि हमने किसानों के लिए संसद में ऐसा कहा था और आपने किसानों के लिए संसद में ऐसा कहा, उसके बाद चर्चा नहीं हो पाई, हाउस एडजर्न हो गया। प्रैक्टिकली यही चीज होती है, लोगों को ये भी चीज समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी पक्ष सही में चर्चा चाहेगा तो सुनने की का भी समय देगा और बाकी चीजों के लिए भी समय देगा। एक कानून आपको अगर अपने एजेंडा के मुताबिक बनाना है तो उसके लिए 12 बजे रात तक भी संसद चलती है, लेकिन अगर किसी बात पर चर्चा करनी है तो दोपहर 12 बजे तक अनिश्चितकाल के लिए एडजर्न भी हो जाती है। तो ये सब चीजें तो प्रैक्टिकल है और ये चीजें होती है, जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति, जो पढ़ी लिखी जनता है, उसको सब समझ में आता है कि सीमित समय मिला, अपोजिशन ने सदन नहीं चलने दिया, किसने नहीं चलने दिया, तो ये चीजें तो खैर सामने आती रहती हैं। अगर सच में किसानों की चिंता करके और चर्चा करनी होती तो सभी दल इसमें साथ आते और सभी दल ये कहते कि नहीं, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे, इस मुद्दे पर सिर्फ चर्चा करेंगे, सरकार को सुझाव देंगे, सरकार से की बात को मानेंगे और हम चाहते हैं कि किसानों का सबसे पहले भला हो जाए, बाकी अन्य मुद्दों पर राजनीति कर लेंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें हैं उस पर कर लीजिए राजनीति। लेकिन कौन है ऐसे दल जिसने आज तक ये कहा हो कि ठीक है मैं संसद की सदस्यता हम इसलिए छोड़ देंगे, चाहे हम इस सदन का के इस सेशन का बहिष्कार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसानों पर चर्चा नहीं कर रहे हो, हम करना चाहते हैं, ये कोई नहीं कहता। गांधी प्रतिमा पर शाम तक बैठ जाते हैं निलंबन के खिलाफ,
लेकिन निलंबित हुई है तो किसान के मुद्दों पर उस तरीके से हुई कि हमने चर्चा करनी चाहिए, हम शांति से सुन रहे थे, सरकार की भी बात हम सुन रहे थे और अपनी बात भी करना चाहते थे, और तब जाके जब नहीं रखी गई बात तब हमने किया हंगामा, उसके बाद हंगामा करके आप सस्पेंड हुई है तो ज्यादा नाम होगा। लेकिन यहाँ तो चर्चा होने से पहले 5 मिनट में हाउस एडजर्न हो जाता है, 15 मिनट हंगामा होता है, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। तो ये बहुतायत जनता जो नहीं समझती है, अंधभक्ति में लीन है, वो समझ सकती है, लेकिन जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी लॉजिकल थिंकिंग है वो इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सुधरा हुआ या बहुत सराफत के साथ नहीं समझेगी कि वो काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे अभिजीत ठाकुर, तमाम बॉर्डर पर जाकर के हालातों का जायजा ले रहे थे, तो हमने भी उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद है कुछ विषय को समझने में आपको सहूलियत हो रही होगी और कुछ नया तजुर्बा और जानकारी भी आपने महसूस की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत ठाकुर को। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।